बिग बॉस OTT सीजन 2 के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट एल्विश यादव, मनीषा रानी और फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी पर अभिषेक मल्हन ने तोड़ी चुप्पी। क्या एल्विश के साथ फुकरा इंसान की हुई है लड़ाई, इसको लेकर भाईचारे पर सवाल उठाने वाले को फाइनली एल्विश के बाद अब अभिषेक मल्हन ने दिया ऐसा जवाब कि हेटर्स की हुई बोलती बंद। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा TV का। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिग बॉस OTT का नया सीज़न आ रहा है और अब बिग बॉस के मेकर्स ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि बिग बॉस नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है। जो कुछ दिनों पहले ये कहा जा रहा था कि इस साल सीज़न 3 जो कि बिग बॉस OTT का सीज़न है वो नहीं आएगा और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही थी कि मेकर्स नहीं चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है, जैसा कि आपको पता होगा, अब भी लोगों के सर से बिग बॉस OTT सीज़न 2 का भूत नहीं उतरा है, लेकिन जो बिग बॉस सीज़न 17 की बात की जाए तो उन कंटेस्टेंट की हाइप ही ख़त्म हो गई है। चाहे अभिषेक कुमार हो, मुनव्वर फारूकी हो, अंकिता लोखंडे हो या कोई भी पॉपुलर से पॉपुलर कंटेस्टेंट। और OTT की बात की जाए तो एल्विश, मनीषा और फुकरा की आज भी वैसी हाइप है जैसा कि OTT सीजन 2 के टाइम पर थी। और अब एल्विश और अभिषेक जो है वो प्ले ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, जहां पर मनीषा भी बहुत ही जल्दी ज्वाइन करने वाली हैं एल्विश और फुकरा इंसान को इस शो में। लेकिन इसी बीच एल्विश यादव को लेकर बार बार एल्विश और अभिषेक की दोस्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब से अभिषेक और एल्विश शो से बाहर निकले हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एल्विश यादव फुकरा इंसान के बीच में लड़ाई हो गई है, इसको लेकर अब अभिषेक ने पहली बार बयान दिया है। मैं चाहूंगा इसको एक बार को आप जरूर सुनिए। पहली बार ये बात हुई थी, देन वी हैड अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन एंड आई वाज लाइक, ब्रो आइदर यू कम अप एंड क्लियर दिस अप और आई शुड स्पीक, बिकॉज दैट वाज बिकमिंग अ वेरी ह्यूज इशू। एंड लेटर ऑन आई थिंक वी मेट ऑन टेम्पटेशन आइलैंड एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड एंड लाइक He cleared things कि उसको ऐसा क्यों लग रहा था, I cleared things कि भाई तुझे गलत लग रहा है, ये वाली सारी चीज़ें। बट आफ्टर दैट आई फील उसके बाद कितनी बार भी कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोले, आई रियलाइज वन थिंग, लोगों का काम है कहना, अपना काम है काम करना। तो जी हाँ, ये था अभिषेक का रिएक्शन। अभिषेक ने अपने और एल्विश यादव की दोस्ती को लेकर कहा कि कोई कुछ भी कहेगा लेकिन हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, एल्विश मेरा दोस्त है, एल्विश मेरा भाई है, भाईचारा हमारा हम दोनों की तरफ से ऑन टॉप रहेगा। मनीषा को अनफॉलो करने पर भी अभिषेक ने कहा कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, एल्विश और मनीषा का, ये वो दोनों सुलझा सकते हैं, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा फिलहाल के लिए। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, अभिषेक ने ये जो बयान दिया है एल्विश को लेकर, मनीषा को लेकर, इसको आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि अभिषेक ने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है या फिर आप मानते हो कि जी हाँ अभिषेक और एल्विश का भाईचारा ऑन टॉप है, मनीषा और एल्विश की जो भी दोस्ती हो, चाहे वो अनफॉलो फॉलो वाली बात हो, एल्विश ने हमेशा ये बात कहा है कि फॉलो अनफॉलो तो ये बच्चों वाली चीज़ होती है, जो रिश्ते होते हैं वो दिल से निभाए जाते हैं और एल्विश और मनीषा का रिश्ता जो है वो दिल का कनेक्शन है। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में अभिषेक के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।